अगर आप मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं या किसी दुर्घटना में आपके जबड़े टूट गए हैं या फिर आपकी जीभ कट गई है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। आपको मानसिक, शारीरिक और संभव है कि आर्थिक रूप से परेशान होना पड़े, लेकिन आपकी तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ये चमत्कार नहीं बल्कि हिंदुस्तान के डॉक्टरों की सोच और उनकी मेहनत की बदौलत अब इस तरह के पीड़ित लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर जीवन का आनंद ले रहे हैं। भारत के डेंटल सर्जनों की संस्था ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जन कुछ ऐसे ही अनूठे कार्य कर रहे हैं जिसका लोहा पूरी दुनिया के डॉक्टर मान रहे हैं। इस संस्था के दिल्ली NCR हरियाणा चैप्टर ने दिल्ली में अपना 47वां वार्षिक अधिवेशन किया। 3 दिन तक चले इस अधिवेशन में लगभग 1800 सर्जनों ने हिस्सा लिया। इस संस्था का उद्देश्य क्या है, इनकी उपलब्धियां क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से बताया है इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विकास धुपर और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गिरीश राव ने। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन का एक एसोसिएशन है जिसका ये 47th एनुअल कॉन्फ्रेंस है और इसमें देश भर के तमाम डॉक्टर्स आए हैं। उस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, अब मैं उनसे सीधा बात करता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज़ अपना सुनना। मेरा नाम डॉक्टर विकास धुपर है। डॉक्टर साहब क्या उद्देश्य है कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य? वो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य तो यह रहता है कि एक जो हम लोगों की एक जो एसोसिएशन है जो अबाउट लगभग 9000 लोगों के ऊपर है, इसके जो ज़्यादातर लोग लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हैं, तो इसका ये उद्देश्य होता है कि एक साल में एक बार मिलें और जो आपका जो नॉलेज है दूसरों से शेयर करें, जो आपके स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको भी थोड़ा सिखाया जाए, तो टेक्निक्स बताया जाए, जो पेशेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ हैं वो होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है और फिर ये भी होता है कि लाइक जैसे कि हम जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आई हैं आपके, और तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड के लोग हैं जिनके पास जो नए इक्विपमेंट मटेरियल्स लेके आए हैं उनको भी बुलाते हैं ताकि हमारे मेंबर्स को पता चले कि क्या क्या नया मार्केट में भी आया है। जनता को ये बताना जरूरी है कि ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन का काम क्या होता है और इसमें क्या क्या करते हैं। अच्छा, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन बेसिकली एक पहले जो एक डेंटिस्ट होता है वो उसकी ट्रेनिंग 3 साल की होती है तो वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनता है और ये जो जनरली एक लिंक है मेडिकल और डेंटल के बीच का, तो ये जो हेड नेक और हेड फेस और नेक के एरिया में जो चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका कैंसर होता है, फेशियल एस्थेटिक मतलब कि जो कईयों के जबड़े बड़े होते हैं उनको ठीक करना हो, क्लेफ्ट लिप बर्थ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं और जैसे कि दांत अगर निकालना हो और जो कई बार आपको होता है जो थर्ड मोलर आपका जो होता है विजडम टूथ की जिसको कहते हैं उसकी बहुत तकलीफ आती है, तो ये जो सब काम है माइनर सर्जरी से लेकर मेजर सर्जरी तक, इम्प्लांट डेंट आजकल बहुत सुना होगा आपने नाम, तो ये सर्जन इम्प्लांट्स भी लगाते हैं और स्पेशली जहाँ पे हड्डी कम है उस हड्डी को डेवलप करके तो ठीक से इम्प्लांट लगाना और पेशेंट को जो एक नॉर्मल या नियर नॉर्मल फंक्शन और एस्थेटिक वापस देना, ये मेजर काम है। अच्छा, हमारे ओरल और मैक्सिलो फेशियल जो सर्जन हैं इंडिया में उनकी अगर बात करें कि उनकी क्षमता जो फॉरेनर डॉक्टर हैं इसी डिपार्टमेंट के उनसे बेहतर है? देखो, जो क्षमता कहते हैं वो इसलिए अच्छी है क्योंकि एक जो नंबर हम जो पेशेंट्स देते हैं हमारी पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है तो और इससे तो एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है और तकरीबन उनके और उनके बराबर या ज़्यादा तो जब हमारे नंबर्स हैं सर्जन्स के भी काफ़ी हैं कंपेयर टू काफ़ी कंट्रीज़ के साथ और जो क्वालिटी बढ़ती ही है जब आपके पास जब इतना पेशेंट आता हो और आपका इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी तो बढ़ती है। तो तकरीबन जो हमारा जो ये तो पता ही चलता है जो हमारी पब्लिकेशंस हो रही हैं, हमारा जर्नल है जो उसमें हम पब्लिकेशंस वगैरह कर रहे हैं उसको काफ़ी रिकग्नाइज करें, वर्ल्ड वाइड पढ़ा जा रहा है उसका, वो लोग जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह हैं वो भी मतलब कि जो अपने रेफरेंस में दे रहे हैं कि भाई ये उधर इंडिया में ऐसा हुआ है और हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, तो ये एक वो तो हमारा काम ही बता रहा है कि हम लोग का जो क्वालिटी है कि बहुत अच्छी हो रही है। डॉक्टर साहब, जैसे जबड़े को आप लोग ठीक करते हैं, नेक में अगर प्रॉब्लम आ जाए एक्सीडेंट के बाद जो फेस खराब होता है उसको लेकर के आप लोग करते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट गरीब है आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए आपके एसोसिएशन की तरफ से क्या प्रयास किया है? देखिए, आपको बेसिक हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है,
है ना, हमारे पास तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, योजना है, तो उसके बावजूद भी जब एक अभी पीछे जो हमारा कैंसर हुआ था, ये जो हमारा कोविड टाइम हुआ था, तो आपको पता चला होगा कि एक ब्लैक फंगस बहुत फैला था, ठीक है। उसके टाइम में तकरीबन हमारी एसोसिएशन ने काफ़ी पैसा, करीबन 1 करोड़ रुपये इकट्ठा किया, और हमने अपने मेंबर्स को बोला कि अगर किसी पेशेंट को अगर हेल्प की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने पेशेंट्स के लिए जो एक स्पेसिफिक इम्प्लांट्स करके थे, वो जो बहुत महंगे पड़ते हैं, वो प्रोवाइड करवाए थे। तो ये बेसिकली जो एसोसिएशन है, ये उस मतलब कि एक गवर्नमेंट को, और इवन हमने कई जगहों पे वो इंजेक्शंस भी प्रोवाइड करवाए, तो ये फैसिलिटेट किया है। भाई इंडिपेंडेंटली हम लोग इतना प्रोविजन तो रेज नहीं कर सकते, जो फंडिंग हमारी है, जो तो वो तो मेंबर के कलेक्शन से ही जो हमारा चलता है, बट हमारे मेंबर्स आगे आए और उसका हेल्प किया। उसी एसोसिएशन का जो एनुअल मीट है ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जन का, उसके जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर राव। डॉक्टर राव धन्यवाद। क्या एम है, क्या उद्देश्य है? माउथ प्रॉब्लम्स है बहुत, और मुख में बहुत प्रॉब्लम्स है पेशेंट्स में, उनके लिए प्रिवेंशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। लॉट ऑफ पीपल ईट पान मसाला, गुटका, दे स्मोक, दे ड्रिंक एक्सेस अल्कोहल, इसलिए लॉट ऑफ पीपल गेट माउथ कैंसर, एंड माउथ कैंसर इज़ वेरी इजिली प्रिवेंटेबल टुडे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अवर एसोसिएशन ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया, the dental association, the medical association IMA, and then the government should all work together to prevent diseases. Prevention is very, very important. Prevention and also early detection is very, very important to do that. And once you do that, then what happens, it can be completely cured. Unfortunately, lot of patients come to us at a very late stage. Bahut din ke baad aata hai cancer, bahut bada hota hai. Or even when the facial deformity happens, when you have an accident or anything like that, get treatment immediately. Then the outcomes are much, much better. So early diagnosis and prevention is the key for treatment. Doctor sahab, tamam desh bhar ke doctors aaye hue hain. Apne zahir si baat hai, sab log practice karte honge ya kisi na kisi college mein professor honge. Jaise apne bataya ki aapke jo president hain, wo kisi college mein principal hain. तो आप लोगों ने इतना कीमती समय छोड़ करके ये आपने एनुअल मीट कराया है, इसको लेकर के क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको सुविधा मिलती है? या आई मीन मोस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ऑलवेज अ कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स। दिस पार्टनरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो दैट कलेक्टिवली एवरीबडी ग्रोस, एंड अल्टीमेटली आवर most important motive is the patient should get the best treatment. Patient deserves the best treatment, and for that technology has to come in, and we also need to give the best care at a very affordable cost. Whoever it is, whether they have money or no money, government hospitals we are doing free treatment. एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, कि क्या मैक्सी ओरल एंड जो मैक्सिलो फेशियल जो है, नेक या जबड़ा खराब हो गया या फेस का कोई भी प्रॉब्लम हो गया, मतलब अब इंडिया के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर उनकी सुविधा, उनका ट्रीटमेंट यहीं पर उपलब्ध है? कम्प्लीटली वी कैन डू द बेस्ट ट्रीटमेंट इन इंडिया टूडे, एवरीथिंग, वट एवर द बेस्ट ट्रीटमेंट, वेदर इट इज सर्जरी और रेडिएशन और कीमोथेरेपी, इट कैन बी डन बेटर इन इंडिया टूडे। आवर हॉस्पिटल्स आर वेरी गुड, and the doctors are very, very well trained. Because of that, we can do it at a very, very reasonable cost. And there are so many schemes available. Today, we have the Ayushman Bharat scheme, and every state has their own health schemes. With that, we can do the best quality treatment at the most affordable prices. In fact, one more thing is happening. Lot of patients are coming from out of country. बाहर से इधर आता है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, गल्फ से, अफ्रीकन कंट्री से, हमारा देश के इधर they're getting the treatment. इस अधिवेशन में तमाम तरह के स्टॉल लगाए गए थे, इन स्टॉलों पर सर्जरी से संबंधित उपकरण रखे गए थे, साथ ही मुंह, गला, जबड़ा और गर्दन से संबंधित मॉडल भी रखे गए थे, जिनके जरिए टूटी हुई हड्डियों को ठीक किया जाता है या ठीक करने की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है।